धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। आप सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए हैं। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाथ को वीरवर लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया है और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण, जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं, शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा।